दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो आरटीसी क्रिस्टल होता है उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, वो कैसा दिखता है और उसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो कैसा दिखता है, मतलब क्या लिखा हुआ होगा, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, बोर्ड में क्या लिखा हुआ रहेगा, तो उसको बोर्ड में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आरटीसी क्रिस्टल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल में लिखा हुआ है आरटीसी कैल, मतलब आरटीसी क्रिस्टल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आरटीसी क्रिस्टल है और इसका जो एक और आपको आरटीसी क्रिस्टल दिखलाता हूँ यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पे देखिए ये भी आरटीसी क्रिस्टल है। तो रियल टाइम क्लॉक उसको बोलते हैं, आरटीसी क्रिस्टल को, ये आरटीसी जो क्रिस्टल है इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक ये जो है वो क्लॉक पल्स जनरेट करता है। ये बैटरी है, यहाँ पे देखिए बैटरी BAT लिखा हुआ है, ये भी ये सीमोस बैटरी इसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्रिस्टल के बारे में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्रिस्टल है, ये 20 MHz का क्रिस्टल है और यहाँ पे ये देखिए X लिखा हुआ है। तो क्रिस्टल का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो X या YX या XY होता है, वो जहाँ कहीं भी रहेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये क्रिस्टल है। तो यहाँ पे देखिए X है, तो ये क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर है, ये क्रिस्टल है, इस प्रकार का क्रिस्टल होता है। और ये जो है ये आरटीसी क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल का जो काम होता है ना वो क्लॉक पल्स जनरेट करता है ये और उसको हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स में मापा जाता है। तो ये इस तरह का ये क्रिस्टल होता है, ज़्यादा कहीं भी देखेंगे तो इसी प्रकार का क्रिस्टल होगा, जो स्टील जैसा दिखे, ये ऐसा दिखेगा इस कलर का, यहाँ पे ये दिख रहा है। ये जो कहीं कहीं ब्लैक कलर का भी होता है, लेकिन ये जब भी होगा तो मेटल में ही होता है, ये प्लास्टिक, PVC ये सब में नहीं होता है। तो अगर आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।